गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐ गुड मॉर्निंग हो रहा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रहा है बाबू बाबू गुड मॉर्निंग कर रहा है करके बोलता है थोड़ा आज तो मोमेंटम रिकॉर्ड तोड़ दिए 20 मिनट्स बेबी को संभाल लिया बिना रोए आज का हमारा ब्रेकफास्ट में है ये अजवाइन का पराठा सब्जी एंड बनाना। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है 18 जनवरी और आज का दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है। हम लोग करने वाले हैं ब्रेकफास्ट और बेबी का ऑलरेडी मसाज हो चुका है, बस नहाना बाकी है। मैं खेल रहा है नानी के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही इंजॉय कीजिए और साथ में मेरे व्लॉग को भी इंजॉय कीजिए। तो चलिए फिर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी टाइम हो गया है 1:56 और अभी जा करके हम और मम्मी दोनों को नहा करके फ्रेश हुए हैं और बाबू सो रहा है। अभी जाते हैं लंच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं लंच में आज क्या बना है। मम्मी ही बनाई है आज का लंच। तो मम्मी पूजा कर ली है। तो आज का लंच में है ये फ्लैक्स सीड का फ्लोरी राइस। राइस एंड ये है सभी साग जो होते हैं ना उसको मिक्स करके बनाई है मम्मी। और मम्मी ये जो है ना ये चावल बनाते हैं ना तो उसका जो निकलता है पानी वो है, इसमें पानी मिक्स करके और फिर डालेगी प्लांट्स में। अच्छा अभी ना मैं बॉइल्ड राइस ही खाती हूँ क्योंकि मम्मी बोली ये बॉइल्ड राइस ही खाना है, क्योंकि बॉइल्ड राइस में ना गैस नहीं बनता है और अभी गैस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बनता है और फिर से नॉर्मल राइस खाएंगे ना तो और ज़्यादा गैस बनेगा। इस वजह से बॉइल्ड राइस खाते हैं तो बॉइल्ड राइस थोड़ा सा मोटा मोटा होता है। ये वाला जो मोमेंट लेके आए हैं वो थोड़ा सा मोटा है, दूसरा पतला भी रहता है ना मम्मी, पतला वाला भी रहता है बट उनको पता नहीं चलता ना तो वो लेके आए हैं जो भी। एंड साग बहुत सारा खाना होता है क्योंकि मिल्क बहुत सारा चाहिए होता है बेबी के लिए, तो मिल्क प्रोड्यूस होता है इससे बहुत अच्छे से। ये और मैं ये खाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग। ये देखिए ये साबुदाना है, तो कभी खिचड़ी खाती हूँ कभी खीर खाती हूँ, इस तरह से रोज तो कुछ ना कुछ खाते हैं इसका। तो चलिए करते हैं लंच अभी और बाबू देखे सो रहा है मस्त। झूला में मच्छरदानी लगा करके आराम से सुला दिए हैं। तो ये है हमारा लंच आज का, राइस वो सब्जी, ये है फुलौरी और ये एक्स्ट्रा मैं ली हूँ आम का अचार, मम्मी को भी दी हूँ। मम्मी खा रही है वहाँ पे। एक्चुअली लेट इतना हो जाता है ना कि भूख एकदम बर्दाश्त नहीं होता है ना मम्मी। इस छुटकू के चक्कर में नहाते नहाते भूख ले जाए। साथ में खाना बहुत मुश्किल है, साथ में खाओ तो बीच में वो स्टार्ट करता है बहुत रेयरली खा पाते हैं साथ में, या तो फिर एक आदमी जल्दी जल्दी खाओ और उसको पकड़ो। कर दी हूं। नहीं लेंगे। लेना ही पड़ेगा आपको। शिया। ऐसा नहीं है, बाहर से आना, मैं कैसे नहीं लेना पड़ेगा बोलिए।
लेना ही पड़ेगा, चुप से ले लीजिए वहाँ पे, उधर ही बैठिए और टीवी देख ही ले लीजिए। बैठिए, हमको आपके पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। रुको, ये आने दो पहले, देखती हूँ। इसको ही हम उठा के इधर लेके चल लेता हूँ। मतलब आप उस एंगल में ही बैठेंगे, उससे डिस्टर्ब नहीं होना आपको। आपको हम बहुत कंफर्टेबल है एंगल में। ओके, बट ले लीजिए स्टीमर। हमको हमको पेट बहुत दर्द हो रहा है, हमको भी कोई करने वाला नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमेशा पैर दर्द होते तो ऑयल कौन लगा देता है मुंह में? इसके लिए कोई आदमी को अभी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। पैर काट के हाथ में दे दूंगी। तो अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब मैं ही करती हूँ मोमेंट। करो, ऐसे तो करो, कर दूंगी, इसमें क्या है। अभी हमको बेबी आने के बाद हमको भूल गई। अब बेबी टाइम ही नहीं देता है ना, पूरा दिन तो बेबी में हम और नानी दोनों लगे रहते हैं। तो टाइम देता ना आपको, आप भूल गए ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका तो वैसे ही रूटीन चल रहा है ना। आप नहीं भूलना, बट आप भूल गए, उल्टा मुझे डायलॉग मारना चाहिए ये वाला। मतलब आप नहीं ये उठे उस एंगल से, है ना मोमेन? आपको मतलब था स्टीम लेने का, स्टीम ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ ये बता दो। ठीक है ठीक है, देखो हैंगल कुछ भी हो जाओ, काम का मतलब है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यो, क्या कर रही? सुला रही हूँ, ये भी एक बड़ा टास्क है इसको सुलाना, वो भी रात के टाइम। फाइनली आज सो रहा है थोड़ा, अभी सोने टाइम में नहीं तो, बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते, कब उठ जाएगा। अच्छा, कभी भी उठो, परवाह नहीं। आपको क्या परवाह, आप तो ऐसे सोते हैं ना कि बगल में कुछ कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, गुड नाइट बोल दो आपको सब्सक्राइबर को। चलिए ओके, गुड नाइट, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, फिर तभी बाय।